सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में फिर से एक बार हम आ चुके हैं भाई बजाज के शोरूम पे। सो भाई, बजाज के शोरूम पे आजकल लगातार हमें आना ही पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर गाड़ी में इन्होंने अपडेट दे दी है, तो भाई सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे आप सभी को बताना ज़रूरी है, और सबके प्राइजेस, न्यू अपडेट्स क्या है और क्या न्यू प्राइजेस है, वो सभी आप सभी के सामने बताना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में फिर से एक बार हमारे साथ है एक नई पल्सर, जो कि बेस मॉडल है 150 का, ठीक है। सो ये नॉर्मल 150 है और इस 150 का बेस मॉडल है ये, ठीक है। और इस बेस मॉडल में कुछ चेंजेस वगैरह किए गए हैं, जैसे कि ग्राफिक्स वगैरह, डिजिटल मीटर हो गया और कुछ नए सिस्टम हो गए, जैसे कि अगर हम बात करें स्विचेस की बात करें तो स्विचेस वगैरह कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या क्या अपडेट है और साथ के साथ कितना प्राइस है, वो सब कुछ बताएंगे। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो में आप सभी को डिटेल वाइज हम बात करेंगे क्या प्राइजेस वगैरह है सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को जल्दी से, टाइम वेस्ट करें बिना। सो गाइस, चलो बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में और जानते हैं इसमें क्या क्या नए अपडेट्स हैं। और बेसिकली अपडेट्स तो आपने देख ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ अपडेट्स के साथ साथ उसके क्या प्राइजेस वगैरह चेंज हुए हैं, प्लस ये गाड़ी के डिटेल वाइज जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आज फर्स्ट टाइम ये बाइक परचेस करने के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो गाड़ी को हम ऑन करते हैं, की दिखाया था पहले आपको मैं। सो ये जो नॉर्मल कीज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं, और सबसे पहला अपडेट अगर आप देखोगे तो इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो आपको चेंज देखने को मिलने वाली हैं। काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिलने वाला है भाई, रेड ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी उभर के आ रहा है। प्लस 3D में बड़े बड़े इसने लोगो बना दिए हैं भाई, बड़े बड़े लोगो दिख रहे हैं आपको। सो ये अच्छा लग रहा है। प्लस जो इसका पल्सर वाला जो लुक है, हल्का सा आपको डाउन देखने को मिलने वाला है, और पल्सर लिखा हुआ सिल्वर कलर में काफ़ी प्यारा लग रहा है 3D में। और फ्यूल टैंक देखेंगे तो वही 15 लीटर वाला आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 45-50 के अप्रॉक्सीमेटली इसकी एवरेज आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप देख रहे हैं इस गाड़ी को परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई ये 150cc के अंदर अच्छे बजट में आपको देखने को मिलने वाली है, कम बजट के अंदर बाइक है ये। गाड़ी के फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलने वाला है, और ये स्टार्ट होने के बाद दिखाता हूँ आपको मैं। तो स्टार्ट होते ही चल जाएगा ये हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलने वाला है, और डेटा मन लाइट देखने को मिल जाएंगी इसमें, वो भी हेलोजन पायलट लैम्प जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा ब्लैक कलर का आपको इसमें विंडशील्ड देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा बजाज का। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भाई दिए हुए हैं इस गाड़ी में, और ये गाड़ी में जो हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स देखने को मिलने वाले हैं 31mm के अप्रॉक्सीमेटली आपको, ठीक है। उसके अलावा मड गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में प्लस कार्बन फिनिश के साथ। उसके अलावा रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और 280mm की अप्रॉक्सीमेटली आपको इसमें डिस्क देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें कैलिपर की तो आपको इसमें कैलिपर देखने को मिल जाता है, सिंगल चैनल आपको इसमें डिस्क देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टायर है ये आपको MRF का देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर साइज़ की हम बात करें तो इसमें जो आपको साइज़ मिलने वाला है वो 80x100 का देखने को मिलेगा, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है, ब्लैक कलर का है, प्लस इसमें आपको रेड कलर की स्ट्रिपिंग का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन गार्ड देखने को मिल जाता है, प्लस आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। और इस गाड़ी में आपको डुअल हॉर्न देखने को मिल जाता है भाई, ये काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, तो साउंड काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी ब्रेक वगैरह लीवर जो दिया हुआ है ये आपको मेटल में देखने को मिल जाता है। किक स्टार्ट देखने को मिल जाती है भाई गाड़ी, सबसे अच्छी बात है। बेसिक मॉडल में आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है, टॉप वाले मॉडल में किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये बेसिक लेने का बेनिफिट ये भी मिल जाता है आपको एक। उसके अलावा लॉन्ग साइलेंसर आपको देखने को मिल जाता है, पीछे फुट पैक्स देखने को मिल जाते हैं, मेटल के प्लस रबड़ का यूज़ किया गया है। सो गाइस, अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं विथ नाइट्रॉक्स देखने को मिल जाएंगे, 5-star एडजस्टेबल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रियर वाला टायर आपको देखने को मिलने वाला है ये भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, नाइलो ग्रिप का आपको टायर देखने को मिलने वाला है, 100x90 का आपको ये टायर साइज देखने को मिलने वाला है 17 इंच का, तो एक अच्छी खासी क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाएगा टायर साइज़। और पीछे आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो साइलेंसर है उसके ऊपर आपको मेटल का गार्ड देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका पैर वैर न जले सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा सीट के अगर आप देखेंगे तो सीट यहाँ पे सिंगल सीट आपको देखने को मिलने वाली है, प्लस जो आपको ग्रैब हैंडल है ये भी आपको सिंगल देखने को मिलने वाला है, स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा, टॉप वाले मॉडल में इसके स्प्लिट देखने को मिल जाता है। सो भाई, जिसकी जो टेल लैंप है ये तभी ऑन होती है जब गाड़ी ऑन होती है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने गाड़ी ऑन करी तो ये टेल लैंप जल गई है। लुक्स इसकी प्रॉपर LED में है, बट ऐसा लगता है कि हेलोजन है, क्योंकि जो इसका लुक है थोड़ा वैसा ही बनाया हुआ है। प्लस इंडिकेटर्स इसको आपको ऑलरेडी हेलोजन में ही देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, प्लस लाइट देखने को मिल जाएगी नंबर प्लेट वाली, ठीक है। उसके अलावा साउंड कैसा है बताइए,
अभी गाड़ी ऑन है, कोई थ्रॉटल नहीं दे रखा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा साउंड देखने को मिलने वाला है। हल्का सा अगर रेस दे दूँ मैं तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्क नहीं है भाई, है ठीक है, रोटो पैटल टाइप का जो डिस्क वो होता है ना, ब्रेकिंग एफिशिएंसी को थोड़ा सा बेटर कर देता है, तो वहाँ पे आपको ये पैड देखने को मिलने वाला है। उससे क्या है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बेटर देखने को मिलेगी आपको। उसके अलावा अगर हम लेफ्ट पोर्शन में चले तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आपको जो कवर मिलने वाला है चैनसेट कवर, वो मेटल में देखने को मिल जाएगा। तो बेस मॉडल में मिलेगा, टॉप मॉडल में नहीं मिलता, तो ये प्लस पॉइंट है इसका कि आपको बार बार चैन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको कवर्ड मिल रहा है तो लॉन्ग टाइम इसका चलने वाला है भाई, तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है। बाकी मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। 5-speed गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। उसके अलावा साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो 150 लिखा हुआ प्लस ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। और डिजिटल मीटर दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं, तो यहाँ पे आपको जो डिजिटल मीटर देखने को मिलने वाला है ये आपको दिखाएगा। एक तो आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है, प्लस RPM सिस्टम देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे स्विचेस देखने को मिल जाते हैं न्यू अपडेटेड, यहीं पे लो बीम हाई बीम प्लस पास का आपको देखने को मिल जाता है। ये मोड का ऑप्शन है, यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हॉर्न आपको मैंने सुनाई दिया, डबल हॉर्न है, यहाँ से इंजन ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लिप ऑन बार आपको हैंडल देखने को मिल जाता है पहले वाला ही। और बाकी यहाँ पे साइड्स में अगर आप देखेंगे तो कार्बन फिनिश का लुक देने की कोशिश करी है, जो कि काफ़ी बढ़िया बना रहा है इस बाइक को। बाकी अगर हम बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल लुक की, तो भाई लुक्स में तो भाई क्या ही ज़बरदस्त इसकी बना दी है लुकअप। और ऑल ओवर अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन की, ठीक है, तो ये जो गाड़ी आपको इंजन पावर प्रोड्यूस करने वाली है वो 14 PS पावर करने वाली है एट द रेट ऑफ 8500 RPM पे। वहीं पे अगर हम टॉर्क की बात करें तो 13.2 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है यहाँ पे 6500 RPM पे, ठीक है। तो अच्छा खासा आपको एक पावर पिकअप देने को मिलने वाला है 150 cc के इंजन में आपको। ऑन रोड प्राइस जो इसका जाने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,33,300 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली इसका ऑन रोड प्राइस है। एग्जैक्ट जो ऑन रोड प्राइस रहेगा वो मेंशन कर दूंगा और एक शोरूम भी मेंशन कर दूंगा, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्राइसिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ये दिल्ली नंबर की बात कर रहा हूँ। बाकी अपडेट्स मैंने आप सभी को बता दिए, इसमें लगभग 3-4 ही अपडेट आपको देने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है। बट क्या है कि एक आपको अच्छा खासा इंजन पावर पिकअप आपको देने को मिल जाती है, और 150 cc का जो इंजन मिल रहा है ये एक अच्छे प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको देने को मिल जाता है। बाकी धीरे धीरे अपडेट्स आपको देने को मिल ही जाते हैं भाई इस गाड़ी में। बाकी एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको किक स्टार्ट जो देने को मिल रहा है ना, ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ बेसिक मॉडल लेने का प्लस पॉइंट है, कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पर रुक जाए तो भाई किक से भी कर सकते हो, मतलब बैटरी डाउन हो जाए तो उसका हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। बाकी आई होप जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई आप पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी, और समझ आई तो भाई एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे आके जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी 1,22,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है।